नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका सफर देहरादून से शुरू हुआ और आज हिंदी फिल्मों में बड़े पर्दे पे जिस तरह से उन्होंने एक नाम कमाया, एक पहचान बनाई, आज छोटे पर्दे पे उनकी धूम घर घर में सुनी जा रही है। लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि उनकी TRP रेट उस सीरियल का बहुत हाई है। हम बात कर रहे हैं हिमानी शिवपुरी जी की। हिमानी शिवपुरी जी देहरादून से अपना पढ़ाई शुरू करती हैं, दिल्ली से फिल्म के विषय में जानकारी लेती हैं, उसके बाद बॉम्बे में जाती हैं। बॉम्बे में कमर्शियल फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो कि हर आदमी के दिल में बैठती है, हम आपके हैं कौन से कैरियर शुरू करती हैं। और आज आप देखते होंगे हप्पू की उल्टन पलटन में जिस तरह से ये जब स्क्रीन पे आती हैं तो हंसी को लेकर आती हैं और जाते जाते हंसी को छोड़ के जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संजय। कहते हैं कि देहरादून, देहरादून का मौसम, देहरादून के लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन देहरादून के लोग जब बाहर जाते हैं तो उतने अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपका जब आप देहरादून से चली दिल्ली में, आपने सीखा और उसके बाद फिल्मी दुनिया महानगरी जहां पे अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनने में समय लगा, हिमानी शिवपुरी को किन रास्ते से गुजरना पड़ा आज ये मुकाम पाने के लिए? जैसा कि आपने कहा कि मेरी शुरुआत देहरादून से हुई। देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है और मतलब क्योंकि मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ तो मुझे हमेशा जब सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है तो मैं हमेशा कहती हूँ देहरादून। मेरे लिए तो देहरादून है। तो देहरादून में जो कला के प्रति रुझान है, ख़ासकर एक्टिंग के प्रति जो रुझान है, वो मुझ में पैदा हुआ, जागृत हुआ स्कूल में नाटकों के द्वारा। और लेकिन उस टाइम देहरादून यूपी का पार्ट था तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई थिएटर या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ने में मैं होशियार थी और हमारे उस टाइम ये था कि जो पढ़ने में होशियार होते थे वो साइंस चुनते थे और जो थोड़े से पैदल होते थे वो आर्ट्स लेते थे। सीधा आजकल तो बहुत सारी ऑप्शन हो गए हैं लोगों के सामने, लेकिन उस टाइम आर्ट या साइंस था। तो ऐसे मैं भी साइंस करती रही, BSc किया, MSc किया, लेकिन साथ में जो मैं वो 2 घंटे का रंगमंच करती थी थिएटर, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। और जब NSD से लोग आए वर्कशॉप करने के लिए, तब उस वक्त MSc, तब मुझे पता चला कि NSD नाम की कोई संस्था है जो कि आपका बकायदा थिएटर में एक्टिंग सिखाती है। तो मैंने तभी तय किया कि मैं NSD ज्वाइन करूँगी। हालांकि उसी दौरान मुझे MSc स्कॉलरशिप अमेरिका पढ़ने की भी मिल गई थी, तो लेकिन मैंने वहाँ वीज़ा का इंटरव्यू देते देते NSD का भी इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। थैंकफुली मेरे पिताजी जो कि उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश और दून स्कूल में प्राध्यापक थे, तो हमारे घर में शुरू से बड़ा साहित्यिक माहौल था। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि लड़की हूँ मैं या मेरा भाई है हिमांशु। मुझ में और मेरे भाई में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। तो पापा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पापा ने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला ठीक है, ये तुम्हारा करियर है तो तुम चुनो। तो ऐसे मैंने थिएटर से शुरुआत किया। थिएटर से शुरुआत। कौन सा आपका सबका पहला ऐसा शो था कि जो लोगों पे छाप छोड़ गया? यहाँ पर आपका एक सिनेमा हॉल है देहरादून में, दिग्विजय जी, तो वो अब तो बहुत बुरी हालत में हो गया है इस वक्त, लेकिन उस वक्त वो सिनेमा हॉल अच्छा चलता था। तो वहाँ मैंने लक्ष्मी नारायण लाल का एक नाटक किया था, वह जिसमें सिर्फ 2 पात्र हैं, स्त्री और पुरुष, एक मेल फीमेल रिलेशनशिप की कहानी है। तो वो लोगों को आज भी याद रहता है कि हिमानी तुमने उस नाटक में क्या काम किया था। तो वो लोगों को, उसका नाम था व्यक्तिगत, वो नाटक। थिएटर से आप आते हैं, कमर्शियल फिल्म मिलती है, हम आपके हैं कौन धूम मचाती है, तो जब आपने हम आप हैं कौन के लिए आपको चयन हुआ या आपने उसमें जिस किरदार को निभाया, तो क्या आपको लगता था कि ये फिल्म वो प्रसिद्धि देगी, क्योंकि कमर्शियल पहली फिल्म आपकी हाँ, थी? जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता था। और मैं आपको बता रही थी कि मैं दिल्ली में मैंने 10 साल तक थिएटर किया और फिर मैंने एक सीरियल किया था, उसमें मेरा एक किरदार बहुत फेमस हुआ था, देवकी भौजाई। हाँ, देवकी भौजाई हमराही था वो, तो उस टाइम दूरदर्शन ही था।
तो मैं बंबई शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उसमें काम कर रही थी, अब मेरे पास काम नहीं था। तो इसी दौरान मुझे सूरज बड़जात्या जी के ऑफिस से एक फ़ोन आया, राज बाबू उनके पिताजी तब जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा एक नाटक देखा था आज़र का ख्वाब, उर्दू कैरेक्टर। अच्छा। सूरज जी ने भी और राज बाबू ने तो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, तो राज बाबू ने मुझे बोला कि तुम्हारा नाटक देखकर हेमानी, ये हम आपके कौन की स्क्रिप्ट लिख चुके थे पर इन्होंने तुम्हारे कैरेक्टर से इतने प्रभावित हुए, एक मुस्लिम कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है हम आपके कौन में चची जान में, तो तुम्हारे लायक तो नहीं, ऐसे उनके शब्द थे। अच्छा। कि तुम तो बहुत मेन रोल्स करती हो थिएटर में, तुम्हारे लायक तो नहीं, फिर भी तुम स्क्रिप्ट सुन लो। तो 3 घंटे का नरेशन सुना मैंने, आधा नहीं सुना क्योंकि उस वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा बेटा यहीं देहरादून में पढ़ रहा था, तो मुझे काम की सख्त आवश्यकता थी, तो मतलब रोल कैसा भी होता मैं करना उसको था। करना था क्योंकि काम करना था बम्बई में। राइट। तो उस टाइम ऐसा कुछ एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, हालांकि उसमें उस वक्त के सबसे नंबर वन स्टार्स थे माधुरी दीक्षित थी, सलमान खान उस वक्त नंबर वन नहीं हुए थे पर वो भी काफी, माधुरी दीक्षित नंबर वन थी और बाकी उसमें जितने भी कलाकार थे, अनुपम खेर थे, सूरज बड़जात्या अपने आप में एक बड़ा नाम, बड़ा नाम है और उस वक्त तो बहुत बड़े, और पारिवारिक फिल्म बनाते थे, इसलिए एक देहरादून की एक लड़की ने हिम्मत की कि क्योंकि मुझे लगा पारिवारिक से नहीं तो एक डर सा रहता है बम्बई के माहौल को लेकर, तो मेरा शुरू में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था फिल्म में, लेकिन क्योंकि राजश्री वालों की रेपुटेशन बहुत साफ सुथरी थी और वाकई बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, तो उनकी फिल्म में जब काम करने का मौका मिला तो उस वक्त मैं बड़ी डरी डरी, इतने बड़े स्टार्स के बीच में मैं नई नई छोटे शहर से आई, तो एक बुक लेके बैठती थी एक कोने में, आजकल तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, सतीश शाह उसमें मेरे हस्बैंड, तो वो कहते थे ये क्या तुम किताब लेके बैठी रहती हो, सब लोग सोचते तुम बहुत बड़ी स्नॉब हो, तो मैं उनको कैसे कहती कि यू नो इतने सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में, इसलिए मैं अपनी किताब में घुसी रहती हूँ कि लगे ना क्या कर रही हूँ। और खैर रोल करने वक्त अपनी कला पे तो कॉन्फिडेंस था, खैर वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद अपना फिल्मों की लाइन लग गई, लाइन लग गई कि आदित्य चोपड़ा जी जब दिलवाले बना रहे थे तो उन्होंने हम आपके कौन देखी थी, तो उन्होंने बुआ के रोल के लिए मुझे बुलाया और मतलब मुझसे मिलने आए, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कि मेरे पास फ़ोन आया कि मैं यशराज जी का, यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग अ फिल्म और मैं आपको कास्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं ये हसरतें उन दिनों एक सीरियल, वो भी मेरा सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था, जी का पहला हिट शो था, तो मैंने कहा मैं इधर किसी बंगलों में शूटिंग कर रही थी, मैंने कहा आइए, तो बेचारे सोचिए इतना आज उनके पास सारे लोग जाते हैं, लेकिन मैं मतलब छोटी शहर की भोली सी लड़की, मैंने कहा मैं वहाँ शूटिंग कर रही हूँ आप वहाँ आ जाइए, एनीवे आदित्य वहाँ आए और इन बिटवीन शॉट्स मुझे कहानी सुनाई, ऐसे मैंने दिलवाले दुल्हनिया जो कि वो भी सुपर डुपर है, और फिर उनके असिस्टेंट करण जौहर थे वो कुछ कुछ होता है बना रहे थे, तब उन्होंने मेरे लिए कैरेक्टर लिखा था रिफत बी का, तो कुछ कुछ होता है भी बहुत बड़ी हिट हो गई, तो इस तरह फिल्मों में मेरी यात्रा, माना जाए कि आपका पैर शुभ था इसलिए सुपर हिट जो कह ले, पर हाँ एक वक्त जब 90s में फैमिली फिल्मों का दौर था तो ये जरूर मानते थे यार हेमानी को लो ये लकी है, क्योंकि आई रिमेम्बर कि मैं डेविड धवन जी की कोई फिल्म कर रही थी और परदेश कर चुकी थी, तो उसके बाद कोई और फिल्म कोई बना रहा था, तो डेविड धवन मेरे को बोलता तुमको नहीं लिया ना फिल्म चलेगी नहीं हेमानी। लिस्ट देखे, अगर लिस्ट देखा जाए तो अगर कलाकारों का कायदे से समीक्षा की जाए तो जितनी हिट फिल्में आप जिस फिल्मों में रही हैं वह दिया गया है, भले कोई रोल रहा हो दमदार रोल, तो उसका एक चीज हम लोग पिछले समय से देखते आ रहे हैं कि बड़े पर्दे का कितना बड़ा कलाकार हो आज छोटे पर्दे की तरफ ज्यादा जा रहा है जी। जिस तरह की पॉपुलरिटी आपने देखा होगा आपको बड़े पर्दे पे मिली, अभी आप छोटे पर्दे पे आ रही हैं, उस छोटे पर्दे पे हर घर में पहुंच गई हैं, तो छोटे पर्दे पे इस किरदार को लिए किरदार कटोरी किरदार जी हप्पू की उल्टन पल्टन जो कि आज हर आदमी के पसंदीदा सीरियल भी है, सीरियल में कहां से आपने सोचा कि भाई कहां हम आपके हैं कौन और इतनी महत्वपूर्ण फिल्मों में सफल रूप से काम करने के लिए हप्पू की उल्टन पल्टन में कटोरी की भूमिका कहां से आपके दिमाग में आया?
वो ऐसा हुआ कि जो इनके प्रोड्यूसर हैं बेनाइफर और संजय, इनके साथ मैं पहले जब इन्होंने अपना प्रोडक्शन का शुरू किया था तो एक सीरियल था, हम साथ साथ हैं टाइप्स ऐसा कुछ था, जिसमें संजय कोहली उस वक्त एक्टिंग करते थे, अब तो सिर्फ प्रोडक्शन में चले गए, तो उसमें मैं उनकी पत्नी का रोल कर रही थी, तन्नाज थी और वो उस तरह का था, पति पत्नी और वो टाइप्स, और भावना बलसावर थी और तन्नाज ये इसके ऑफिस में थी, तो ये पारिवारिक, तो ये शो मैंने उनके साथ किया था और वो शो भी काफ़ी अच्छा चला, जी टीवी पर आता था। और इस बीच में इन लोगों ने काफ़ी सीरियल्स बनाए पर मेरी डेट नहीं मैच हो पाई। अभी मतलब एक समय की बात होती है कि जब ये हप्पू की उल्टन पलटन, तो इनको कटोरी कैरेक्टर के लिए तो इन्होंने बोला कि हमें तो हिमानी शिवपुरी चाहिए, तो मुझे बुलाया, तो मैं खैर 10 बार सोचा, क्योंकि इनकी शूटिंग बहुत दूर होती है नायगांव में, आजकल टीवी सीरियल्स की बहुत दूर शूटिंग अच्छा, होती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये जो राइटिंग और डायरेक्टर का ये जो कॉम्बिनेशन था, शशांक जी और राइटर है मनोज जी, बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि टीवी आप तो जानते हैं टीवी में राइटर की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि 22 मिनट में आजकल तो इतने सारे, दूरदर्शन के टाइम तो एक ही सीरियल आता था तो लोगों को देखना पड़ता था, तब तो हम चित्रहार क्या कृषि दर्शन भी देखते थे, है ना, वहां बैठे रहते थे जैसे वो लोगो आता था, लेकिन आजकल इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं कि ऑडियंस का 22 मिनट में अटेंशन, तो वो उसमें राइटर का मैं मानती हूँ बहुत बड़ा श्रेय है। तो ये जब राइटर डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन था तो मैं टेम्प्ट हो गई, और कैरेक्टर भी जो सुनाया गया बहुत ही अद्भुत है, अब तो लोग पसंद भी करें कि उसके बहुत सारे कलर्स हैं, कि वो एक माँ भी है बेटे के साथ, उसका अच्छा रिलेशन, फिर सास भी है, सास बहू की। दरअसल आप इतने व्यस्त रहते हैं, हो सकता है आपको उसकी टीआरपी ना समझ में आती हो, लेकिन हम लोग तो हर घर में जाते हैं, अगर 10 बजे कहीं पहुंचते हैं तो उस समय आदमी उस सीरियल को देखता रहता है। जी, जी। और सबसे बड़ी चीज जिस भाषा का उपयोग किया गया है, जिस लैंग्वेज से आप बात करते हो, जो आदमी आपको पहले देखा है और एकदम डिफरेंट लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज को किरदार में कैसे निभा लेते हो आप? ये आपने अच्छा प्रश्न, कि जब हम ये शो की शुरुआत हुई तो डायरेक्टर और क्रिएटर से मीटिंग हुई, तो उन्होंने ये बोला कि देखो हप्पू जो बेटा है, क्योंकि वो तो उसकी भाषा है, और जो उसकी पत्नी जो मेरी बहू का रोल कर रही है वो भी इंदौर की है, तो उसकी भी भाषा हुई, तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि ये होता है ना इतने बड़े आर्टिस्ट को कैसे बोले भाई तुम ये भाषा सीखो, ये का नहीं नहीं हिमानी जी आप चाहो तो आप हिंदी बोल सकते हो, तो मैंने कहा नहीं ये गलत होगा शशांक जी, क्योंकि मेरा बेटा होकर तो बेटा ने किससे सीखी होगी भाषा, माँ से ही सीखी होगी ना, तो माँ, क्योंकि बेटा तो माँ से ही भाषा सीखता है, तभी उसको मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा, तो जब बेटा बोल रहा है तो मुझे भी बोलनी पड़ेगी, तो मैंने अपना प्रयास किया, वो तो है वो कीड़ा था NSD का थिएटर के दिनों से, कि मेहनत तो शुरू से मैंने बहुत सी बातें करनी है, क्योंकि आप काफी दिन बाद हम लोगों के साथ मिले जी, हैं जी। हिमानी जी फादर दून स्कूल में थे जी, और आपने भी दून में पढ़ाई की, तो कहते हैं कि दून के बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, लेकिन जब हम आप लोग आपसे मिलते हैं, हम सब लोग मिलते हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि दून का एक पढ़ा हुआ एक शख्स और बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में जो जिस फिल्म में जाता है किरदार को बखूबी निभाता है और एकदम जमीन से जुड़ा हुआ, तो ये जमीन कैसे नहीं छोड़ा आपने? जमीन है ही ऐसी उत्तराखंड की कि आपको छोड़ने नहीं देती, कि मतलब मैं भले ही बम्बई चली गई, विदेश भी चली गई, लेकिन मेरे लिए जो पहाड़ के प्रति जो मेरे मन में और पूरे मेरे रोम रोम में जो पहाड़ बसा है वो नहीं निकलता, तो पहाड़ी लोग तो जनरली बड़े सीधे होते हैं, तो वो सीधापन ये भगवान की दया है और मेरे पिताजी माताजी का आशीर्वाद है, क्योंकि वो तो बहुत भोले थे, मेरा भाई भी अभी तक वो भोलापन है उसमें, तो वो ये जो ग्राउंड टू अर्थ, वो सब लोग मुझे कहते हैं कि हिमानी जैसे एक सीरियल करते हैं या एक फिल्म तो उनके इतने नखरे हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसी क्यों हैं, तो मतलब ये मतलब इसका श्रेय तो मैं अपने क्षेत्र को ही देती हूँ, पहाड़ी लोग बड़े सीधे और सरल होते हैं। मैंने कई बार आपसे मेरा बात की। ऐसा मानना है जी, जी। संजय जी कि ये एक बात है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ बाय प्रोफेशन, पर वैसे तो मैं एक आम नारी हूँ जिसने मतलब मैं
गृहस्थनी, मैं गृहस्थी चलाती हूँ, अपने बेटे को मैंने पाला पोसा बड़ा किया क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो आई वॉज अ सिंगल वर्किंग वूमन। तो ये सब के बावजूद मैं एक सीधी सादी अभी भी वो पहाड़ी लड़की हूँ और आई हैपन टू बी एन एक्ट्रेस, तो इसीलिए मतलब मेरे ख्याल से मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और ये ज़मीन शायद मुझे छोड़ती नहीं है। कई बार जब भी हमने आपसे बात किया तो पहाड़ की पीड़ा आपके अंदर दिखती है। जी जी। तो पहाड़ के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हैं अगर वहां से 10% लोग भी उत्तराखंड की तरफ केवल नजर दौड़ा रहे हैं तो हमारी समझ से उत्तराखंड देश का वह महत्वपूर्ण प्रदेश बनेगा, जहां पे आय के रिसोर्स भी बनेंगे, पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो क्या आपके अंदर है कि इस प्रदेश के लिए किया जा सकता है? मेरा ये मानना है, देखिए मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में सारे लगभग सारा विश्व घूम चुकी हूँ, स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं इतना खूबसूरत है, और न्यूजीलैंड भी मैं गई हूँ, बहुत अच्छे, मैं मानती हूँ ये लोग बड़े खूबसूरत, लेकिन मैं इंडस्ट्री में ये कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड जैसा खूबसूरत, मतलब वो दुनिया के किसी कोने में किसी भी कोने से कम सुंदर नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से तो और भी सुंदर है। आप चोपता चले जाइए, मैंने एक फिल्म में शूटिंग की चोपता में, इतना खूबसूरत है, और आगे भी आप जाएं तो इतना सुंदर है, लेकिन बस वही है कि मुझे लगता है हम देख तो नया राज्य कह सकते हैं, पता नहीं नया राज्य कहना सही होगा कि नहीं, कि अभी उसमें विकास एक तो डिफिकल्ट टेरेन है, कई गाँव में पहुँचना बहुत मुश्किल है और पलायन सबसे बड़ी समस्या है, तो ऐसे छोटे छोटे रोजगार जैसे कि कुछ हमारे गवर्नमेंट शुरू करिए कि घरों में ताकि बाहर के लोग आके रहें, ताकि वो घर बस जाएं, क्योंकि आप अगर आप गांव में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी भूतिया गांव में आ गए, आधे से ज्यादा गांव के में ताले लग चुके लोग हैं ही नहीं, लोग रुकेंगे क्यों, बाहर जाके कमाना ही पड़ेगा ना उनको, अब सिर्फ दो चार बूढ़े बचे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो अभी मैंने क्योंकि आपने बात किया स्विट्जरलैंड की, आपने बात किया न्यूजीलैंड कई जगह, लेकिन जैसे आपने साथ में चोपता भी जोड़ा, तो अगर देखा जाए तो जो ये बड़े नाम हैं कहने के लिए उससे खूबसूरत जगह हमारे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, पर वो ये है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जब एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा ठीक ठाक बन जाए, क्योंकि फिल्म की यूनिट इतनी बड़ी, हालांकि ये फिर भी एक अच्छा एक ट्रेंड है कि इस दौरान काफी सारी फिल्म जैसे केदारनाथ बनी जी, जी, और जी। बत्ती में क्या है वो मीटर हाँ। बत्ती वो भी बनी टेहरी के इलाके को लेकर, तो धीरे धीरे क्योंकि क्या होता है इंडस्ट्री में, वो इसलिए नहीं बनी कि हमारा क्षेत्र बहुत सुंदर है, वो उसका मेन कारण ये कि हमने उनको सुविधाएं दी, जरूर कुछ सब्सिडी या ऐसा कुछ जरूर मिली, लेकिन उसका मेन कारण है कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ एक प्रयास होता है नया क्या दिखाएं, राइट राइट राइट, बाहर पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो ये एक अभी भी एक क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बचे हैं हमारे पहाड़ों में जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट माने मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, पॉजिटिव सेंस में कि स्क्रीन वाइज स्क्रीन में देखें कि कितना अद्भुत सुंदर घाटियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, छोटा सा झरना होता है, आप देखिए आप बॉम्बे के आसपास देखिए, लोग लोनावाला देख लिए, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, और अगर आप मसूरी मुझे बड़ी हंसी आती है, लोग बोलते हैं अरे हम वहाँ जा रहे हैं लोनावाला जा रहे हैं, अरे इट्स सो खंडाला जा रहे हैं लोनावाला, तो मतलब मेरे को तो पहली बार जब मैं गई मुझे लगा ये क्या है, मतलब आप मसूरी का एक वो कैंपटी फॉल भी चला जाए कितना, यस यस, और ऐसे कितने ही गदरे हैं पहाड़ में, वो जो झरने हैं बहते हैं बरसात में तो बहते ही हैं, मतलब ये सब कुछ नहीं है हमारे पहाड़ के आगे, बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, और मुझे लगता है कि किस किन क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री में तो हो सकता है, और भी जैसे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करें पहाड़ों में तो क्योंकि हमारे पास हाँ, नहीं, नहीं, जड़ी बूटियों प्रदेश बनाया जा सकता है, टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, मैंने पिछले समय देखा कि आप बड़ा प्रयास करती थी, यहाँ के राजनेताओं से मिलती थी जी, जी। कि कुछ करें फिल्म के लिए, और उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का रुझान बढ़ा है जी। तो आगे क्या प्रयास है, क्या सरकार से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके, मंत्री से मिलके, या जो भी, देखिए मैं जैसे कि है कि जैसे कि वो मुझ में जो अभी मैं
मैं अपने बारे में नहीं बोल सकती कि मैं ये करूं, मगर मेरा ये प्रयास, मतलब मेरी तो ये सपना है कि हमारा उत्तराखंड भी मतलब पूर्णतः विकसित रहे और हमारे यहाँ एक ऐसी फिल्में बने जैसे कि मलयालम की फिल्म आज भी बड़ी इज्जत से देखी जाए, तेलुगु की फिल्म हो, बंगाल की फिल्म, हमारी उत्तराखंडी फिल्म भी उस स्तर पे पहुँचनी चाहिए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और मेरा तो ये सपना है, आई होप कि कभी ज़रूर पूरा होगा, कि मैं भी एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जो कि पहाड़ का एक बहुत ही सुंदर रूप और असली रूप सामने आए लोगों को, कि लोगों को पता चले कि क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं एनएससी में, मुझे बुलाते थे वहाँ पे, वो फोक फॉर्म्स का वो होता है फेस्टिवल, तो उसको मेरे को और अनुपम खेर को बुलाया इनॉग्रेशन करने के लिए, बम्बई में हुआ। तो मैं देखती रही, मतलब विचित्र, हमारा देश बहुत समृद्ध है, सब जगह के थे, गुजरात का था, मणिपुर का था, इम्फाल का था, और मेरे को रोना आ गया कि मेरे प्रदेश की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो मुझे कितना दुख हुआ, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा नहीं, हमारे प्रदेश की लोक संस्कृति बहुत रिच है, लेकिन वो धीरे धीरे इट इज़ डाइंग। मैं अपना नाटक, मैंने अपने पिताजी को, डॉक्टर हैदर भट्ट शैलेश को, मैंने उनकी पुण्य जो पहली बरसी थी, तो मैंने सोचा मैं कैसे उनको समर्पित करूं, तो मैंने उन्हीं के नाटक का वो किया, एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन किया, और उत्तराखंड के जितने भी यंग बॉयज थे, बहुत सारे श्रीनगर से आए थे और काफ़ी जगह से आए थे बच्चे, उनको मैंने प्रशिक्षण दिया एक महीने का, और बहुत ही सुंदर सुनहरे सपने नाम की प्रस्तुति करी। तो उसमें मैंने बाकायदा एक गढ़वाली शादी दिखाई थी, तो हुड़की, अब मैं हुड़की वाले ढूंढ रही, हुड़की वादक आपको मिलेंगे ना, बड़ी मुश्किल से एक बंदे को खोजा मैंने, तो हुड़की और ढोल दमाओ जो टिपिकल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सांस्कृतिक मंत्रालय ने अपना उत्तराखंड के मदद की, कलाकारों को बुलाया ताकि लोगों को लोग देखते ही आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है, लोक संस्कृति, लोक कलाएं हैं, और कितनी हमारी अब आप देखें, वो जो फिल्म बनाई थी केतन मेहता ने जिसमें ये थे अपना ये जो मुस्लिम एक्टर है ना, एन से नाम है इनका, क्या है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो पहाड़ काटते हैं, हमारे यहाँ भी तो अपनी माधव सिंह भंडारी है, कितनी सारी हमारी फोक टेल्स है, राइट, बहुत सारी ऐसी है जो कि गाथाएं, मुझे लगता है कि हम जिसपे रियल स्टोरी पे फिल्में बनाई जा सकती है। इमानी जी एक्टिंग करती हैं, एक्टिंग में कहने की जरूरत नहीं है, आपने प्रूफ कर दिया, साथ में हम लोग अब सुनने लगे हैं कि पिताजी की तरह आपने कुछ कविताएं भी लिखी हैं और कविताओं पे भी रुचि आपकी है, तो कोई ऐसी कविता हो जो कि हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से शुरुआत हो? अरे जरूर, मैं मुझसे बड़ी भूल हो गई, और अगर आप मेरे को अगर समय होता, और मैं अपनी डायरी लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे ना याद नहीं रहती क्योंकि इतने सारे डायलॉग भरे हुए, नहीं मैं कविताएं तो शुरू से लिखती थी, मतलब जी जी। मेरी कविताएं एक मैगजीन आती थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, तो उसमें आता था पोइट्री ऑफ द मंथ, तो मेरी कविताएं उसमें छप चुकी हैं, और मेरी कहानी एक मैगजीन आती थी लिटरली सारिका, वो आपने सरिता, उसमें मेरी कहानी छप चुकी है, लेकिन बीच में फिल्मों से इतनी व्यस्त हो गई कि मेरा लेखन थोड़ा थोड़ा छूट गया। अब मैं दोबारा से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी कविताओं को हिंदी फिल्में कौन कौन सी इस समय ऐसी हैं जिसमें आप काम कर रही हैं या जब जो फ्लोर पे हों? एक मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है अपनी, टाइम नहीं है, अच्छा, वो आ रही है 13 अक्टूबर को, अरे वेरी गुड, और जिसमें कृष्णा अभिषेक है, विक्रम है, और नामदेव जी हैं, और बहुत सारे मझे हुए कलाकार हैं, और बाकी तो इस वक्त मैं इसमें अप्पू के उल्टन पलटन में इतनी व्यस्त हूँ कि मतलब समय ही नहीं दे पा रहा, मुझे 4-5 फिल्में छोड़नी पड़ी जिनका मुझे बड़ा अफसोस है। एक्चुअली मैं छोटे पर्दे पे जो किरदार अपनी छाप छोड़ रहा है, लोग बंध के रह रहे हैं, वह सीरियल, वह जैसे पहले भाभी जी वाला था, लोग बंधे रहते थे क्योंकि स्टोरी अच्छी, लेखन अच्छा था, उसी तरह से जिस तरह से हप्पू की उल्टन पलटन है, जो किरदार के हिसाब से जो काम दिया जा रहा है और उस किरदार को जो भाषा दी जा रही है, तो वो लोगों को पसंद आ रही है, जी, जी, जी। तो बहुत सी अच्छी चीजें हैं, जैसे अभी
आपके पोते का याददाश्त गायब हो जाती है और जो रोल आप जिस तरह से निभाती हैं तो वह एक अलग छाप छोड़ता है। जी जी जी। तो जैसे बड़ा फिल्म है, बड़े पर्दे हैं, उसके बाद छोटे पर्दे पे आप आते हैं, तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें तैयारी ज्यादा करनी है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि संजय जी, क्योंकि मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो नाटक थिएटर से शुरू हुई है जी। और फिल्मों में मैंने काम किया, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, मतलब एक बार स्क्रीन में छपा था कि टॉप 10 फिल्म्स टॉप 10 ग्रॉसर्स, उसमें मेरी 4-5 फिल्में थी, मतलब हम आपके कौन, कुछ कुछ होता है, DDLJ, कभी खुशी कभी गम, और बाकी तो दे आर द टॉप ग्रॉसर्स, बाकी परदेश और हीरो नंबर वन डीवा नंबर वो तो चली है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस, टॉप 10 फिल्में राइट फ्रॉम द टाइम, तो आई वॉज वेरी प्राउड कि मैं उन फिल्मों का हिस्सा थी। और छोटे पर्दे की जहाँ तक बात है, मैं छोटे पर्दे, मेरे को थोड़ी बहुत प्रसिद्धि जो मिली थी शुरू में, क्योंकि जब मैं नाटक करती थी तो लोगों को मैं समझा नहीं पाती थी कि उन लोग बोलते थे अब क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं थिएटर करती हूँ, नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हो? लेकिन जैसे ही वो देवकी भौजाई का किरदार आया फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं एक्टिंग करती हूँ। इसलिए मैं भले ही बड़ी बड़ी फिल्में करती रही, मैं शुरू से ही मैंने टीवी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, क्योंकि मैं, लोग बोलते थे अरे तुम तो यशराज के साथ, राजश्री के साथ, सुभाष घई के साथ फिल्में कर रही हो तो तुम क्यों करती हो टीवी, क्योंकि उस वक्त टीवी को नीचे देखा जाता है, उस स्टेप सिस्टर कहते हैं ना क्या, सौतेला ही बहन या सौतेला व्यवहार। लेकिन जब से मिस्टर बच्चन फिल्म उसमें आए KBC में, तो बच्चन जी क्या आप देखे होंगे आजकल तो मतलब भरमार सब, 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 क्योंकि सब, एक टीवी अब एक ऐसा माध्यम बना है, बहुत सारे कलाकार जिनके पास काम नहीं था घर में बैठे हुए उनको काम मिल गया, टेक्नीशियंस को काम मिला, टीवी इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी दी है। और अब तो टीवी में काम करना मतलब ऐसा नहीं माना जाता कि अच्छा टीवी बहुत कर रहा है। स्क्रीन ने बहुत चेहरे दे दिए, बिल्कुल, जो कि हर आदमी के परिवार के लगने लगे, बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो धीरे धीरे वो जो सीमा थी टीवी करना, फिल्म करना, वो हट गई, क्योंकि आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत भी टीवी, पहले तो शाहरुख जी आए थे टीवी सर्कस वो अकेला से, वो अकेला था, वो एकमात्र एक्सेप्शन था, अब तो लेकिन आजकल तो बहुत से आप देखिए सुशांत राजपूत हैं और भी कई एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो कि टीवी भी कर रहे हैं और फिल्म भी। तो सबसे पहले आपकी जो टाइम नहीं है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, और हम सारा परिवार सब लोग उस पिक्चर को देखेंगे, उस मूवी को देखेंगे, और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड वाले भी देखें, और हम चाहेंगे कि देवभूमि को के लोगों के लिए एक संदेश दें आप। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा उत्तराखंड बहुत ही प्यारा है, सुंदर प्रदेश है, तो अभी काफी पेड़ है उसमें, लेकिन जैसे जैसे विकास हो रही है, प्रगति हो रही है, जैसे हमने अपने देहरादून में भी देखा कि आप धीरे धीरे पेड़ को काट रहे हैं, और ये जो क्लाइमेट चेंज आने वाला है ये एक सच्चाई है, एक यथार्थ है, इससे हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, विकास के साथ साथ हमें पेड़ भी लगाने चाहिए। अभी मैं देखती हूँ जैसे कि एयरपोर्ट में भी जाना है तो सड़क बन रही है, सड़क चौड़ी होना अनिवार्य है क्योंकि हमको प्रगति तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितने पेड़ आपने काटे हैं कम से कम उतने तो लगाइए और अपने प्रदेश को स्वच्छ रखिए। आप जाते हैं, अब तो ये टूरिस्ट स्थल बन गए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है या जितनी औली, तो वहाँ प्लास्टिक आप फेंक रहे हैं और उससे आप पूरा वातावरण दूषित कर रहे हैं, तो कम से कम अपने प्रदेश को साफ रखिए और हो सके तो प्रदेश के लिए कुछ करिए। बाहर आपको मुझे पता जाना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन अपने प्रदेश जरूर आइए, इससे नाता मत तोड़िए। धन्यवाद हिमानी जी। यह थी हिमानी शिवपुरी जी, जिन्होंने बड़े पर्दे पे भी अपनी पहचान जिस दमदारी से निभाई, उसी दमदारी से छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान लोगों तक पहुंचा रही हैं, और जो पीड़ा इनके अंदर पहाड़ के लिए, देवभूमि के लिए, उत्तराखंड के लिए है, हम उम्मीद करते हैं उत्तराखंड का जो भी वासी है, बाहर कहीं है, वह पीड़ा अगर थोड़ी सी भी जगेगी और यहाँ के लिए सोचेगा तो यहाँ पलायन भी रुकेगा और रोजगार के नए साधन भी तलाशे जा सकते हैं। धन्यवाद।